सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकिनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यूपी में किसानों को कुचला जा रहा है और आरोपियों पर एक्शन लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसान को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, देश भर के किसानों पर एक के बाद एक हमला हो रहा है। पहले 3 कृषि कानून बिल लाकर अब उनका हक छीना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं गए। मृत किसानों का पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है, जो ठीक से बात करे उसे बंद किया जा रहा है। आज हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर जाने की कोशिश करेंगे। राहुल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यूपी में अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है, जैसा आपने अभी बोला है कि यह राजनीति हो रही है। हमारा विपक्ष का काम प्रेशर बनाने का होता है, तब कार्रवाई होती है। सरकार नहीं चाहती कि हम प्रेशर बनाएं। सच बताऊं कि यह काम आपका है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, उसे भूल गए। राहुल ने कहा, देश का जो ढांचा है उसे बीजेपी और RSS काबू कर रही है। यह सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, आप जानते हो कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसी तरह देश के सभी इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है। आज देश में तानाशाही है, राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप नहीं जा सकते। कांग्रेस नेता ने कहा कि चाहे प्रियंका हो या मैं हूँ या हमारे परिवार का कोई भी हो, हमें मैन हैंडलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मार दीजिए, काट दीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यह हमारी सालों पुरानी ट्रेनिंग है, यह हमारे परिवार की ट्रेनिंग है। हिंदुस्तान की आवाज़ को कुचला जा रहा है। मैं पीड़ित परिवारों का दर्द बांटना चाहता हूँ, वहाँ जाकर ग्राउंड रियलिटी जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। अभी ग्राउंड रियलिटी किसी को पता नहीं है। TRV न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।